मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस पर पार्ट वन है, इसके और भी पार्ट हैं, आप उसे भी देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट वन, कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम कुछ इमेजिन करते हैं। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसे रहता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। एक तरह से आप इमेजिन करते हैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में, किस सिचुएशन के बारे में। तो उसकी जो मेन पहचान है आपकी वो होती है सेंटेंस के लास्ट में होता, होता या था और था आपको दिखाई देता है। तो उससे आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में अगर मैं ये होता तो ऐसा होता, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो उस सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, इसका फॉर्मूला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब, या आपको इन दोनों में से एक लेना है। डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेनी है या फिर वर्ब। अगर वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कोई एक्शन वर्ब है तो उसको सेकंड फॉर्म में लगाएं, अगर वहां पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो आपको वर्ब लगाना है। और इस केस में आपको वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है, यानी कि आई वी यू दे ही शी कुछ भी आ जाए आपको वर्ब लगाना है, वॉज नहीं लगाना। देन ऑब्जेक्ट, देन दूसरा स्टेप होगा हमारा सेंटेंस कॉमा लगा के सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा देन सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। प्रैक्टिकली मैं पक्षी नहीं हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो हम कैसे बनाएंगे उसे? अब यहां पर इस सेंटेंस में अगर मैं पक्षी होता, यहां तक देखा जाए तो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, किसी की कोई स्टेट बताई जा रही है कि वो क्या है। तो इफ आई वर, यहां पर हम वर का यूज करें क्योंकि हमारे पास कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तुम्हारी जगह होता, यहां पर भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यानी कि तुम्हारी जगह होने का क्या मतलब है कि अगर मैं तुम होता, देखा जाए तो भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता मतलब अगर मैं तुम होता। तो इफ आई वर यू कॉमा आई वुड नेवर टेल अ लाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेल अ लाई। तो बहुत इजी सेंटेंस है। इफ आई वर की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं इफ आई वर इन योर शूज, ये हमारा एक फ्रेज है किसी की जगह होने के लिए। इफ आई वर इन योर शूज कॉमा आई वुड नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, अगर मेरे पिताजी वहां होते तो तुम्हारी पिटाई जरूर होती। अगर मेरे पिताजी वहां होते तो तुम्हारी पिटाई जरूर होती। देखिए सेकंड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, तुम्हारी पिटाई जरूर होती का मतलब है तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हारी पिटाई हो रही है, लेकिन पीटने वाला वहां पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं कि सेंटेंस में काम हो रहा हो और काम करने वाला ना हो, तो इसका मतलब है कि काम किसी के द्वारा हो रहा है। उसको जब सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान से देखना, इफ माय फादर वर देयर, अगर मेरे पिताजी वहां होते यू वुड बी बिटन, यहां पर बी क्यों लगाया हमने, क्योंकि जब भी हम किसी मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसे पैसे वर्ब में यूज करते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमने यहां पर बोला है यू वुड बी बिटन डेफिनेटली, तो आपकी पिटाई जरूर होती, इसका मतलब आपको जरूर पीटा जाता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आज मेरे पास भी ऑडी होती तो हर कोई मुझे सलाम करता। ठीक है, इफ आई हैड, यहां पर देखो किसी के पास कुछ होना हैड होता है तो हमने उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करा है। इफ आई हैड
एन ऑडी टूडे एवरीबडी वुड सैल्यूट मी, हर कोई मुझे सलाम करता। तो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी एग्जाम्पल ले लिया है और वर्ब का भी एग्जाम्पल ले लिया। अगर यहाँ भूत आ जाता, ये भी इमेजिन कर रहे हैं हम एक रूम में बैठे हुए और हम बात कर रहे हैं यार अगर यहाँ भूत आ जाता तो सब भाग जाते डर की वजह से, ठीक है। तो अगर यहाँ भूत आ जाता, इफ अ गोस्ट अपीयर्ड हियर, भूत प्रकट हो जाता तो यहाँ से सब भाग जाते, ऑल वुड रन अवे फ्रॉम हियर। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट वन है, आप आगे के पार्ट भी जरूर देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।